बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। मैं हूँ आतिफा बलोच। नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। नारोवाल से नुमाइंदा मोहम्मद फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक मरूफ तजारती और समाजी शख्सियत आरफ महमूद अप्पल की साहबजादी डॉक्टर ईमान आरफ अप्पल ने MBBS की डिग्री हासिल करके वतन पहुंच गई। भरपूर इस्तकबाल किया गया, वालिदैन खुशी से नहाल, इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ईमान आरफ अप्पल ने मैट्रिक 2017 नारोवाल पब्लिक स्कूल से नुमाया पोजीशन से किया। FSC 2019 में प्री मेडिकल बी नारोवाल पब्लिक कॉलेज से किया। बाद अजां इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी बश्कीक कर्गस्तान में दाखिला ले लिया। 5 साल बाद नुमाया पोजीशन से MBBS की डिग्री हासिल की। उन्हें तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। वतन पाकिस्तान पहुंचने पर जर्नलिस्ट एंड राइटर्स क्लब नारोवाल के सदर और सीनियर सहाफ़ी उस्मान मुगल से खसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर ईमान आरफ अप्पल ने कहा, वालिदैन और असातिज़ा कराम का एहतराम इंसान को बुलंदियों तक ले जाता है। उनकी बदौलत आज इस मुकाम तक पहुँची हूँ। बचपन से ही शौक था, लोगों के दुख दर्द बांटूंगी और दुखी इंसानियत की खिदमत करूंगी। अल्लाह ताला का शुक्र है, वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत से डिग्री हासिल की। उन्होंने कहा, मुस्तकबिल में वो इसी शोबे में रहकर खिदमत सर अंजाम देंगी। उन्होंने बताया, वालिदैन की तवील जिद्दोजहद, असातिज़ा कराम की सपोर्ट से मुझे जो टारगेट मिले, जिन्हें वो मेहनत से अबूर करती चली गईं। डॉक्टर ईमान अप्पल ने कहा, वालिदैन के लिए सबसे मुश्किल काम हसूल इलम के लिए दयारे गैर में बेटी को भेजना था। वालिदैन ने इस वक्त भी कहा था, दुनिया के किसी खित्ते में चली जाओ मगर दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान नहीं भूलने चाहिए। अल्लाह के फजल से कामयाब होकर लौटी हूँ, जिससे वालिदैन का सर फख्र से बुलंद हो गया। डॉक्टर ईमान ने कहा, दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखरत में कामयाबियाँ मुकद्दर बनती हैं।